हाँ तो भाई आपने कहा था कि वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, तो भाई वीडियो नहीं रुक रही है लेकिन आपकी शेयरिंग भी नहीं रुकनी चाहिए। तो आपके लिए लेके आ चुका हूँ पोको F4 का एक अनदर अपडेट जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X2.9 है। और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसे डाले हुए हो गए हैं एक दिन से ऊपर और पूरा चेक भी कर लिया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं इसी रोम का कंप्लीट डिटेल। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और हाँ शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई, जैसा कि आप लोग कहते हो कि वीडियो नहीं रुकना चाहिए तो शेयरिंग नहीं रुकना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत कम हो गए हो यार व्यूज के मामले में पोको F4 का स्पेशली। चलो देखते हैं सबसे पहले अबाउट से। और हाँ मैंने एक प्रीमियम चैनल भी शुरू किया है टेलीग्राम पे जहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन है जो कि बहुत ही लो बजट है, जहाँ पे कुछ चीज़ आपको एडवांटेज देखने को मिलती है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार चेक कर लेना। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका बेनिफिट आप ले पाओगे। कोई हाई प्राइस नहीं है, बिल्कुल ही लो है। ठीक है आते हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पे आप देखो ये पोको F4 ऑफिशियल अपडेट है 2.9 का, जहाँ पे आपको हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिलता है 1 जून का। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच है और हमारा जो कर्नल वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई देता ही है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रेडियो इन्फो वगैरह जो कि सही है। सेटिंग का UI जो आपको कलर फुल दिखाई दे रहा है इसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट लुक आपको देखने को मिलेगा जो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगा है। अनदर यहाँ पे हम आते हैं वापस से सेटिंग के अंदर, तो आपको देखने को मिल जाता है ये सिस्टम यानी एंड्रॉयड डिवाइस का डायग्नोसिस। ये हमारा गेम बार है जो कि लेटेस्ट वाला तो नहीं है, थोड़ा सा पुराना ही है लेकिन हाँ प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही तरीके से वर्किंग मिल जाता है। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा जेस्चर जहाँ पे क्विक टॉर्च का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ओपन कैमरा वगैरह दिया गया है, पावर बटन वगैरह के ऑप्शन है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट और प्रीमियर रिंगिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। बाकी और भी चीज़ें नई नई ऐड करी गई है इस बार इस अपडेट के अंदर जो कि मैं आपको दिखाता चलूंगा। बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आपका फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपका वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। साथ साथ यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑप्शन मिलते हैं और स्ट्रिक्ट USB का भी एक ऑप्शन मिलता है और डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है, तो इससे रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैटरी भाई यहाँ पे प्रोफाइल दिया गया है कुछ इस तरीके से जो कि पुराना टाइप का मैं कहूँगा कि है, लेकिन कोई बात नहीं, काम होने से मतलब है, हमें परफॉर्मेंस मिलने से मतलब है, पुराना हो या नया हो नो मैटर। ठीक है तो यहाँ पे आपका है जो ये काम करता है रियली में काफ़ी सही तरीके से। यहाँ पे स्लिप मोड मिल जाता है जो कि बैटरी सेविंग में हेल्प करता है। आइडियल मैनेजर वगैरह है, चार्जिंग कंट्रोल भी दिया गया है जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मोड साउंड का प्रोफाइल जिसमें आपको डॉल्बी देखने को मिल जाता है और डॉल्बी का आपको जो ओल्ड लेगेसी जो था ना पहले वाला वही यहाँ पे ऐड हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मी साउंड, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा खासा है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, कूल डाउन वगैरह के ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का। ऐप के अंदर आपको क्लोन ऐप का फीचर्स मिल जाता है, डिफॉल्ट ऐप्स का है, ऐप्स लॉक का है और गेम स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो कि बिल्कुल ही सही तरीके से काम करता है। अनदर यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल, यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको देखने को मिलती है अनलॉक, जैसे कि फॉन्ट्स वगैरह का, लॉक स्क्रीन का, आइकन का, शॉर्टकट्स वगैरह का, जो कि आप यहाँ पे सेट रख सकते हो और यूज कर सकते हो। और ये डिवाइस रियली में काम करता है काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से, जैसे आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे कलॉक्स वगैरह कस्टमाइज करोगे वो चीज़ आपको देखने को मिलती है और यार रियली में मुझे पसंद आया है। अनदर यहाँ पे आता है डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 3 टाइप के जैसे कि रियलमी OS में रहता है डार्क मोड वगैरह देखने को मिलता है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है ब्राइटनेस को लेकर, कि सम टाइम नॉर्मल मैनुअल रखने पे भी ये ब्राइटनेस हाई जा रहा है और सम टाइम लो जा रहा है। ये शायद आपको इस वीडियो में ही फील हो जाएगा, जैसे कि आप देखते हो तो मैंने ब्राइटनेस को मेंटेन कर रखा है, ऑफ कर रखा है, बट फिर भी देखते हैं क्या कैसे होता है। ये चीज़ मुझे पर्सनली फील हुई है, आपको फेस हुई है या नहीं कमेंट करके बताना। ठीक है लॉक स्क्रीन तो मैंने आपको शो कर ही दिया है, टाइम आउट वगैरह आपको मिल जाता है, बाकी यहां पे को देखने को मिल जाता है जो कि डबल टैप टू डॉज का ऑप्शन है। यहां पे प्रिवेंट एक्सीडेंटल बैकअप आपको मिल जाएगा, पर एवरी फेसेट है, टच इंक्रीज का ऑप्शन है और यहां पे आपको DC डिमिंग और साथ HBM यानी हाई ब्राइटनेस मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि आपका प्रॉपर काम करता है। और यह इसका कस्टमाइजेशन, जहां पे इसके बारे में आप जान ही रहे हो, जब से USB का मोनेट आना चालू है जब से ये फीचर्स है, वॉलपेपर सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे ये हमारा थीम पैक जहां से आप वॉलपेपर को चाहो तो ब्लर कर सकते हो और ये आपका पर काम करता है, जैसे कि ईवो रोम के अंदर ये ढंग से काम नहीं करता है, वहाँ पर ब्लर नहीं कर पाता, बट यहाँ पे ये आपका वर्किंग रहता है। बस एक बार आपका जो UI रिफ्रेश होता है और उसके बाद आपको जो ब्लर का इफेक्ट देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप रखो, अदरवाइज मत रखो, पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पे आप इजीली जो सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बूट एनिमेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रैंडम कलर सेटिंग कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और ये लुक आपको देखने को मिलेगा सेटिंग के अंदर, जैसा कि आप देखो अब यहाँ पे चेंज हो चुका है और ये पूरा राउंड नहीं है तो इसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जैसे कि ये रहा। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि पर्सनली मुझे तो यार पसंद आए हैं।
बाकी यहाँ पे आपको फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, कई सारे आइकन यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरीके से वाईफाई का साइन आपको देखने को मिलता है जो कि मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, जैसे कि आप देखो 5G का साइन, नेटवर्क साइन, बैटरी का और हॉटस्पॉट और साइलेंट वगैरह का, क्लॉक वगैरह का, ये सब कुछ यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल भी आप अपने हिसाब से बदल सकते हो जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लॉक शॉर्टकट्स वगैरह, जो कि कई सारे क्लॉक्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो जो भी आपको क्लॉक चाहिए, जिस भी लेवल का चाहिए, लुक चाहिए, वो आप सेट करो और अप्लाई करो। और एक क्लॉक का जो फॉर्मेट दिया गया ना यार, रियल में मुझे पसंद आया और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और AOD पे भी काफ़ी सही तरीके से नज़र आता है। बाकी विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ही सेट कर रखे हैं और एक काम करता है। बाकी वेदर सेटिंग है, डेप्थ वॉलपेपर है, कैरियर नेम वगैरह, लॉक स्क्रीन इन्फॉर्मेशन वगैरह, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह है, लॉक स्क्रीन का है, रीपर इफेक्ट्स वगैरह, फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन और पॉकेट मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ स्टेटस बार के अंदर आपको वही आपको जो ऑन ऑफ करने के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, क्लॉक के कस्टमाइजेशन, क्लॉक का बैकग्राउंड, ये जो चिप्स वगैरह स्टाइल है वो आप बदल सकते हो, बैटरी बार, नेटवर्क ट्रैफिक, 4G को LTE, LTE को 5G को ऑन करने का ऑप्शन आ गया जो कि पहले गायब हो चुका था, 5G इंडक्टर का स्पूफ आ गया है, रोमिंग वगैरह है, नोटिफिकेशन काउंटर है और यहाँ पे पैडिंग ऑप्शन मिल जाता है। QoS की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो QoS का पुल डाउन आपको देखने को मिल जाता है, डेवल टोन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पेज का कैसा होना चाहिए, एनिमेशन वगैरह वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको हेडर, क्लॉक वगैरह आप बदल सकते हो, क्लॉक ऑक्सीजन रखना है कैसा रखना है। बाकी यहाँ पे UI वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस स्लाइडर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, पोजीशन वगैरह भी है और उसका लुक कैसा होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बदल रखा है कुछ इस तरीके से, तो ये भी आप यहाँ पे जो चेंज कर सकते हो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऊपर के जितने भी कस्टमाइजेशन करने हैं वो सारा कस्टमाइजेशन आपका इसी टैब से है जो होगा, तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है ये क्विक सेटिंग के टैब में आके जो रख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई कहाँ से चेंज किया। बाकी ऑलवेज ऑन वगैरह, म्यूजिक ट्रैकर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है बटन के कस्टमाइजेशन, जैसे कि वॉल्यूम बैकअप वगैरह है, परसेंटेज रखना है या नहीं, लेफ्ट या राइट रखना है। पावर मेनू पे आपको एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के अंदर वही आपका कॉम्पैक्ट, हैंड्स अप, ऑन गोइंग, एज लाइट वगैरह, ब्लिंकिंग, कॉल से रिलेटेड आपको वाइब्रेट का फीचर्स और यहाँ पे डिफरेंट डायलर मिलता है जिसकी वजह से आपका कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर काम करता है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं पर आता है हमारा नेविगेशन, जहाँ पर आपको साइड बार मिल जाएगा, नेविगेशन मोड मिलेगा, जहाँ पर अगर आप इन करते हो तो ये ऑप्शन पहले नहीं था, ये वापस ऐड हो चुका है जो कि IME हाइड का ऑप्शन है। साथ साथ यहाँ पे जो ये एक्सटेंडेड स्वाइप एक्शन है ये भी आपका मिसिंग था, तो ये भी यहाँ पे ऐड हुआ है। और पिछले वाले अपडेट में कंप्लेन आ रहा था कि ऐप्स क्रैश कर रहे हैं, तो उसे भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, तो क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। डॉल्बी भी इंप्रूव किया गया, स्मूथनेस भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है जो कि रियली में फील होता है। बाकी ये सारे ऑप्शन अगर आपको नीड है तो इन्हें आप यूज कर सकते हो, बस एक बार आपका डिवाइस रीस्टार्ट होगा उसके बाद आपका काम बन जाएगा। अनदर हाइड एप्स, डेवलपर स्टेटस वगैरह और यहाँ पे स्पूफ के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि सारे वर्किंग है, लेकिन ये जो है ना भाई गूगल बार बार एल लगा दे रहा है, तो इसे आपको ऑफ करके फिक्स वाला प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद आपका सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। जी हाँ, सारे आप पास कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ किधर गया भाई हमारा, ये रहा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, उस सेटिंग को ऑफ करना है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, दो पास होगा, पूरा प्रोसेस फॉलो कर लोगे तो तीनों पास हो जाएगा। ये चीज़ करके आप बाकी दस चीज़ें जो कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस रिलेटेड मैंने एक दो दिन पहले ही वीडियो दिया था, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डाउनलोड लिंक के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको फाइंड करने में दिक्कत ना आए और आप उसे फॉलो करके इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। और आज के टाइम में हर एक कस्टमर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका MIUI हो या फिर इस तरीके से बूट और अनलॉक करते हो तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो जितने भी फीचर्स यहाँ पे दिए गए वो रियली में भाई मुझे पसंद आए और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्किंग रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और यहाँ पर स्मूथनेस भी रियली में काफ़ी ज़्यादा सही है, कूल है। रही बात अब परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलते हैं ताकि आप डिसाइड कर पाओ। और कैमरा जो हमारा दिया गया है वो है हमारा लेटेस्ट वाला स्टॉक कैमरा, पोको कैमरा कह लो या फिर हमारा लाइका कैमरा कह लो, जो भी कह लो, बस स्टॉक जो आता है वो कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो स्विच करते हैं अपने गैलरी पे, बाय डिफॉल्ट जैसे आप इसे फ्लैश करोगे तो इतने ही एप्लीकेशन मिलेंगे और यहाँ पे वाइपर फॉर एंड्रॉइड दिया गया है, डॉल्बी भी दिया गया है और मी का जो साउंड इफेक्ट है वो भी दे दिया गया। यार तीन साउंड इफेक्ट दिए गए, यार कहाँ लेके जाओगे इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन, तो ये चीज़ भाई काफ़ी कमाल की यहाँ पे की गई है। बाकी ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐप मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपका बूट और लॉक का स्पूफ नहीं रहता, बट जैसे आप सेफ्टी नेट वाला प्रोसेस फॉलो कर तो ये आपका फिक्स हो जाता है। और वीडियो कॉल वगैरह भी आपको यहाँ पे वर्किंग रहता है तो टेंशन नहीं आती, और ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया फिक्स रहेगा। बैटरी ड्रॉप 92 के बाद आता है यहाँ पे 89, जहाँ पे आप देखो 3% का बैटरी ड्रॉप है करीब करीब 8 hours 50 minutes यानी 9 hours में, तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी सही है, कोई बुरा नहीं है, तो ये पसंद आया ड्रेन के मामले में। वहीं पर हमारा जो रिजल्ट है CPU का वह 335,000 मैक्स और मेरे यहाँ पे 287,000, और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है जहाँ पे 87 का परसेंटेज है, तो ये आपको निराश नहीं करेगा। वहीं पर टेम्परेचर की बात करें तो भाई
भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं कहीं पे तो भाई 50 टच कर रहा है। तो वैसे मैं यहाँ पे आप देखोगे इसे टेस्टिंग में ऑनली ऑन है जो 45 ही गया, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी सही है, अंडर कंट्रोल है, क्योंकि वहीं पर अगर F6 रहता ना तो वो तो भाई 50 क्रॉस कर देता कब का इसके टेस्टिंग में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कोई हद हिसाब नहीं है। और नॉर्मल टेस्टिंग किया नहीं मैंने, कोई AC रखा है ना ही कूलर रखा है, उसके हिसाब से। बाकी ये हमारा अंडर स्कोर जो कि पोको के F4 में बहुत कम ही ऐसे स्कोर देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। और एक मैंने पिक्सल लिनेज का रिव्यू किया था जो कि वन ऑफ द बेस्ट साबित हुआ था, उसमें भी इसी तरीके से स्कोर थे और ये भी काफ़ी अच्छा है। वहीं पे आप देखो गीकबेंच भी यार काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला, जो कि इस डिवाइस के अंदर बहुत कम देखने को मिल जाता है, बहुत कम रोम के ऊपर ही अच्छे मिलते हैं, जो कि यहाँ पे भी है। साथ साथ कैमरा वगैरह हमने चेक किया, काम कर रहा है, कोई इशूज यहाँ पे नहीं आता है। और जो वॉल पेपर वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसके डाउनलोड लिंक के साथ मैं ऐड कर दूंगा उसका भी लिंक, ताकि आप इसे यूज कर पाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और इंस्टॉलेशन गाइड भी मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, जो कि आप ADB साइड लोड का मेथड फॉलो कर सकते हो या ऑरेंज फोकस से भी ऐसे फ्लैश कर सकते हो। और हाँ, अपने डिवाइस का FW फ्लैश कर लेना, यहाँ पे HDR10 और L1 सपोर्ट वगैरह बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे मिलती ही मिलती है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और प्रीमियम चैनल के बारे में देख लेना, आपको पसंद आए तो ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज इग्नोर मार देना। फोन के ऑफ होते ही पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट बूट लोगो शो कर देगा। अब आपको अपने फोन को PC से कनेक्ट करना है, सारे इंपॉर्टेंट फाइलें रिक्वायर्ड जो भी है उसे आपको प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव कर लेना है और CMD कमांड को ओपन करना है। CMD कमांड जैसे ही ओपन होता है, आपको या तो पहले ड्राइवर चेक करने के लिए कमांड रन कर देना है, या फिर डायरेक्ट TWRP ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉलेशन का जो भी आपका सपोर्टेड कमांड है वो आपको टाइप करना है, और अपना TWRP ऑरेंज फॉक्स का इमेज फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फ्लैश कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड रिकवरी रहेगा वही यूज करना है। उसके बाद कमांड डालना है रिबूट टू रिकवरी का, जिससे आपका फोन रिबूट कर जाएगा रिकवरी के अंदर। और अब रिकवरी से आपको ब्राउज करना है क्या, आपकी सपोर्टेड फाइल को वन बाय वन करके सेलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ, और मे बी अगर फ्लैशिंग के दौरान कोई भी एरर आता है तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करो और रोम को फिर से रीफ्लैश कर लो। और रिबूट टू रिकवरी के टाइम पे मे बी आपका है जो TWRP या ऑरेंज फॉक्स रिप्लेस होकर डिफरेंट रिकवरी शो कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस रोम को नए रिकवरी के साथ दोबारा रीफ्लैश कर दो। अगर रीफ्लैश प्रॉपर हो चुका है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट करके रिबूट कर लो, आपका जो भी OS है वो बूट कर जाएगा विदाउट किसी इशूज के। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये सेम फॉलो कर सकते हो आप अपने HyperOS को फ्लैश करने के लिए, USB वाले किसी भी रोम को फ्लैश करने के लिए, सेम चीज़ें यहाँ पे होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्लैश कर रहे हो वो प्रॉपर फ्लैश हो जाए, कोई भी एरर ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।